दिस आयरन डिफिशियंसी इज ए एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बिकॉज कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन हो रहा है. डू यू थिंक दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंट्री टू टॉक अबाउट कि अगर आपने COVID-19 से अगर आपको COVID-19 नहीं हुआ तो दिस इज द टाइम अपना आयरन बिल्डअप करके रखो. मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर के अग्रवाल वो बातें करते हैं जो बोलनी चाहिए. आज आपने बिल्कुल सही बात कही है. हम तो ये बेसिक मानते हैं कि वी ऑल इंडियन आर आयरन डेफिशिएंट. मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी अगर कहूंगा तो मैं भी आयरन डेफिशिएंट हूँ. वी ऑल इंडियन आर पर्टिकुलर आयरन डेफिशिएंट. इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन. आपको नहीं हुआ है तो आप कृपया करके अपना आयरन बिल्डअप करें. ये मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि ये बहुत सही है कि जो ये एनीमिया है पोस्ट कोविड इट इज परसिस्टिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, पीपल आर हेजिटेंट टू गिव आयरन ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन, थिंकिंग दैट इट इज ए इन्फ्लेमेशन, इट मे वर्स. सो ऑन कॉन्ट्रेरी, पीपल आर फेयरिंग गिविंग आयरन ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन. एंड सेकेंड, यस, इट इज नॉट अ रिलेटिव आयरन डिफिशियंसी. ऑन द बैक ग्राउंड ऑफ आयरन डिफिशियंसी, आपको कोविड हुआ, it may be a chronic in a chronic disease anemia, it may be because of malabsorption, it may be because of loss of appetite, patients are not eating. So this all, and I fully assure ki ye maine socha bhi nahi tha ki aapki ye baat sateek hogi ki jinko nahi hua kripa karke kuch din tak apna iron build up karna shuru kare. ye main aapki baat se asahmat ho raha hu. iske alawa hum logon ne hamesha kehte hain ki jab bhatti garam hoti hai तो उसके ऊपर में अगर आप आटा लगाओगे तो चिपक जाएगा. तो उसी तरीके से अगर मेरा CRP लेवल 1 और 3 के बीच में है तो मेरा LDL उसमें चिपक जाएगा और थ्रोम्बोसिस